हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा मेरे घर का खाना में स्वागत करती हूँ। और आज मैं बच्चों के हाइट बढ़ाने वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बच्चों के हाइट को बहुत ही ज़्यादा लंबा करेगा। तो जिनके बच्चे छोटे हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो रेसिपी शेयर करनी है सिंधी गुरारी की रेसिपी है। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कप आटा में एक चम्मच घी को डाल के अच्छे से सॉफ्ट डो तैयार कर लिए थे। और यहाँ पे मैंने जिस तरह से रोटी के पेड़े बनाते हैं उसी तरीके से पेड़े बना लिए। और इसमें आधी छोटी चम्मच मैंने घी डाल दिया है। एक घर का घी है, बहुत ही हेल्दी होता है। घी बच्चों को ज़रूर दें, घी गुड़ बहुत ही अच्छा होता है। और इसको रोटी की तरह हम बेल के तैयार कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे 2 चम्मच गुड़ का। मैंने यहाँ पे हाथों से रखा है, अगर आपको अंदाज़ा ना लगे तो आप स्पून की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को रख दिया है। और इसको और हेल्दी बनाने के लिए इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, नारियल, गड़ी छुआड़े, जो भी आपके घर में अवेलेबल जितने सारे होंगे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वो सभी यहाँ पे डाल दें। साथ में मैंने थोड़ा सा डाला यहाँ पे तिल के दाने, सफ़ेद तिल के दाने थे तो मैंने उसे भी यहाँ पे हल्का सा डाला है। ये टोटली ऑप्शनल है, ये देखिए। और इसको दोनों तरीके से बंद कर देंगे। आप इसे तेल के साथ बना सकती हैं, मैंने घी के साथ बनाया है। ये मेरे घी घर की घी थी। और घी घर में कैसे बनाया जाता है अगर वो आप जानना चाहेंगे तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि घी कैसे बनाया जाता है। तो इसी तरीके से मैं दूसरे साइड भी पो की सहायता से डिज़ाइन बना दूंगी, जिससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से खाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ दोनों तरीके से बना के तैयार कर लिए हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस में मैं यहाँ पे पैन चढ़ा दिया था, पैन गर्म हो चुका था, तो आधा चम्मच घी डालूंगी और इसको अच्छे से उलट पलट के सेक लूँगी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ईजी है और बहुत ही हेल्दी है, और जितनी ईजी है उतनी हेल्दी, साथ में बच्चों के शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला होगा ये रेसिपी। बच्चों को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए, इससे बच्चों की हेल्थ भी अच्छा रहता है, साथ में हाइट भी बढ़ती है। तो बच्चों को गुड़ जरूर खिलाएं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से सेक लिया है दोनों साइड से घी डाल के। आप चाहे तो तेल में भी सेक सकते हैं इसे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप घी से सेकेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये हेल्दी रेसिपी है। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा सिंधीर गुरारी की रेसिपी को, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे उलट पलट के अच्छे तरीके से मैंने सेक लिए हैं। अब इसको मैं रख दूँगी प्लेट में और दूसरे भी इसी तरीके से सेक लूँगी। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन के तैयार हुए हैं। और ये देखिए, इसे भी अच्छे तरीके से मैं हल्का हल्का घी डाल के सेक रही हूँ। वाओ, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही गुड़ के पराठे अच्छे बनके तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से मेरे गुड़ के सभी पराठे तैयार हो चुके हैं सिंधी गुरारी। और ये देखिए, हेल्दी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। अगर छोटा मोटा भूख हो ना, फटाफट से बनाइए और बच्चों को दीजिए, वो यूँ खुश होकर बहुत ही अच्छे तरीके से खाएँगे। मैं काट के दिखाती हूँ इसमें कितने अच्छे ड्राई फ्रूट्स और गुड़ मेल्ट हो चुके हैं। आप चाहे तो इसमें हल्का सा बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बटर नहीं डाला है। आपको अच्छा लगेगा तब जरूर डालिएगा। अरे देखिए फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमें बताइएगा ये गुरारी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। ये देखिए, वाओ। तो दीजिए अपने बच्चों को हेल्दी नाश्ता, हेल्दी टिफिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।